ग्यारहवीं प्रेम भक्ति। गोकुल गाँव को पेंडोई न्यारो, सतगुरु 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 स्वामी, प्रेम भक्ति ने सतगुरु स्वामी। प्रभु के प्रति परम अनुराग का नाम भक्ति है। कभी भी किसी भी काल में केवल बहुत थोड़े से, केवल गिने चुने लोग ही परमात्मा का पूर्ण सच्चा और गहरा प्रेम प्राप्त करने में सफल होते हैं। परमात्मा के प्रति उन्मत्तता की हद तक का गहरा प्रेम प्रेमी को भी प्रीतम बना देता है। पहले जो नौ प्रकार की भक्ति का वर्णन हुआ, यह सब प्रेम की शुरुआत या प्रेम प्राप्त करने के साधन ही हैं। मूल या तत्व वस्तु तो प्रेम स्वयं है। उसमें प्रेमी और प्रीतम का भेद सदा ही बना रहता है। भक्ति की शुरुआत में हमें ऐसा लगता है कि हमारे दिल में भी भक्ति का वास हो गया है, या कि हम भी कुछ भक्त हो गए हैं। किंतु पूर्ण प्रेम तब माना जाएगा जब हमारा मन प्रेम पात्र यानी प्रीतम से एकाकार और तदाकार हो जाए। कभी उसे छोड़े ही नहीं, कभी अपने प्रीतम से विचलित ही न हो। जैसे विवाह हो जाने पर एक स्त्री अपने पति से प्रेम करती है और समझती है कि उसकी संपूर्ण आत्मा ही अब पति में लीन हो गई है। कुछ अरसे बाद उसके पुत्र होता है, अब उसका प्रेम पात्र बदल गया है या एक और नया प्रेम पात्र अस्तित्व में आ गया है। अब बच्चे में प्रेम ज़्यादा हो गया है। ऐसा ही हाल मालिक के प्रति प्रेम का भी हो जाता है। हम सभी यह देखते हैं कि जब नया प्रेम पात्र मिल जाता है तो पुराने प्रेम पात्र में आकर्षण पहले जैसा नहीं बचता। यह भक्ति नहीं है। असली प्रेमा भक्ति की पहली शर्त या आवश्यकता है उसका निरंतर विकसित होने वाला, निरंतर बढ़ने वाला प्रेम। प्रेम का सच्चा स्वरूप ऐसा ही है जो हर पल, हर आने वाले क्षण में नित्य नया होता रहे, अर्थात सदैव बढ़ता ही रहे। यदि बढ़ोतरी चाहे कम भी हो तो भी प्रेम वह नहीं हो सकता जो घट जाए या कम हो जाए। आज प्रेम है, कल प्रेम न रहे, उसे तो संत मत में प्रेम ही नहीं माना जाता। प्रेम का घट जाना या प्रेम के पंथ में पीछे पांव रख देना भक्त के लिए कलंक है। छिन ही चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम न होय, अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोय। प्रेम भक्ति के दो बड़े लक्षण हैं। एक तो उसका अविरल रूप और दूसरा प्रभु के प्रति परम अनुराग। सा परा नुरक्ति रीश्वरे, प्रभु में परम अनुरक्ति ही भक्ति है। सा तवस्मिन परम प्रेम रूपा, यानी प्रभु में परम और अनन्य प्रेम प्रवाह का नाम ही भक्ति है। सर्वोच्च अनुराग और उसका कभी न घटने वाला, निरंतर बढ़ते रहने वाला, निरंतर कायम रहने वाला प्रेम का अखूट प्रवाह। इसलिए कई महापुरुषों ने
इन्हें दो अलग अलग रूपों में भी बयान किया है, एक तो अविरल भक्ति और दूसरी प्रेमा भक्ति। तत्वतः दोनों एक ही हैं, प्रेमा भक्ति सदा अविरल तो होती ही है। प्रेम भक्ति के अभाव में इस समय हमारे घट में क्या है? माया भक्ति। सुरत तो चैतन्य धार का नाम है, यानी सुरत जीवात्मा तो किसी न किसी तरफ को जाएगी या बहेगी ही। यदि यह अपने स्वामी भगवंत की ओर आकर्षित नहीं होगी तो फिर माया की तरफ आकर्षित होकर माया में उतर जाएगी। यदि माया के प्रति आकर्षण है तो माया के तमाम दुर्गुण न चाहते हुए भी दिल में भरपूर हैं। कभी इनसे छुटकारा भी पाना चाहें तो छुटकारा पाना सरल नहीं है। कारण स्पष्ट है, हम हमारे जीवन को जैसा बनाना चाहेंगे, जिधर हमारी चाह ना प्रवृत्त होगी, जैसा हमारा नज़रिया होगा, हम वैसा ही मार्ग अपना लेंगे। यदि हमारी चाह ना प्रभु की प्राप्ति की होगी तो हम भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। यदि हमारी चाह नाएँ माया के सुखों के प्राप्त करने की होगी तो हम माया के दलदल में ज़रूर फंसेंगे। यदि हम परिवार के विस्तार या परिवार के कुशल क्षेम की भावना रखते हैं, यदि हमें मान बढ़ाई या यश की चाहना है, यदि हम भगवंत की इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए, यदि हम भगवंत को इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए याद करते हैं तो हम सकाम भक्त हैं और शुद्ध प्रेम के पात्र नहीं हैं। हमारी अवनति या हमारा पतन सामने दिख रहा है। यदि ऊंची भावनाएं ही नहीं हैं, विचार ही मायाग्रस्त है, तो हम जीवन को ऊंचा उठाएंगे तो कैसे? यद्यपि हमारे अंदर भी प्रेम की दिव्य ज्योति है, उससे हम लाभ उठाना चाहें तो हमारे मन को हम उजला व प्रकाशित कर सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि हम इंद्रिय सुख चाहते हैं। हमारा मन तो इंद्रियों का गुलाम हो रहा है। प्रभु से परम प्रेम कौन सा मन करेगा? हम जी जान लगाकर कोशिश ही ऐसी करते हैं जिससे हमारा, हमारे परिवार का, हमारे आने वाली पीढ़ियों का पेट आसानी से भरता रहे। पेट भरने के लिए इतनी व्यग्रता। विवेकानंद जी ने तो कहा है कि ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। हो इने चिंत करे मत चिंतई, चौंच दई वह चिंत करे गो, पाव पसारी पर्यो किन सोवत, पेट दियो वह पेट भरे गो, जीव जीते जल के थल के पुनि, पाहन में पहुँचाई रहे गो, भूख ही भूख पुकारत है नर, सुंदर तू कह भूख मरे गो, भोजन आप गड़े जीतने, भरी है भरी है भरी है भरी है जो, गावत है जिनके गुण जो, डरी है डरी है डरी है डरी है जो, आदि हूँ अंत हूँ मध्य सदा, हरी है हरी है
हरि हैं जो सुंदर दास सहाय सही करी हैं जो निश्चित ही मनुष्य जीवन का इससे उच्चतर और बेहतर ध्येय है, वह है सच्चे मालिक से प्यार करना, उनका प्रेम या भक्ति हासिल करना। पेट भरना शरीर का सुख है। मनुष्यों को अपने पेट भरने में जितना सुख मिलता है, उससे कई गुना सुख सुअर को अपना पेट भरने में मिलता है। जब सुअर को ढेर सारा मल और बिष्ठा खाने के लिए मिल जाता है, उस समय यदि उसके सामने स्वर्ग को ले जाने वाला विमान भी लाकर खड़ा कर दें, तो वह मल भक्षण और गंदगी खाना छोड़कर उस स्वर्ग के विमान में नहीं बैठेगा। सुअर तो मशगूल है मल भक्षण में, लेकिन यह सुअर की खुराक है, सुरत जीवात्मा की खुराक नहीं है। हम शरीर को और मन को उनका भोजन विषय भोग देते हैं, सुरत को उसकी खुराक नहीं देते। हमारे स्तन में एक अत्यंत दिव्य सर्वदर्शी आत्मा विराजमान है, जो प्रेम स्वरूप प्रभु की छोटी अंश है। यह सुरत अपने सारे बंधन तोड़ सकती है। यह सुरत विकारों से मुक्त होने में भी समर्थ है। केवल इसे प्रेम की खुराक या भोजन मिलना चाहिए। सुरत जीवात्मा प्रेम के बल पर यह काम कर सकती है। परम चैतन्य सत्ता से प्रेम करके यह निश्चित ही जड़ माया की गुलामी से मुक्त हो सकती है। यही मनुष्य जीवन का आदर्श होना चाहिए। प्रभु के चरणों में निरंतर और सदा बढ़ने वाला वृद्धिशील अनुराग या अविरल भक्ति हमें प्राप्त हो। इस प्रेम भक्ति के प्राप्त हो जाने पर घर बार संसार माया काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष आशा और तृष्णा सभी छूट जाएंगे। प्रेम लग्यो परमेश्वर सो तब भूली गयो सिगरो घर बार जो उन मत फिरे जीत ही तीत नेक रही न शरीर संबारा श्वास उसास उठे नित रोम चले द्रग नीर अखंडित धारा सुंदर कौन करे नवदा विधि छाकी पर्यो रस पी मतवारा। असली प्रेम या भक्ति का स्वरूप ऐसा ही है, उन्मत्त और बावला बना देने जैसा। यह किसी बाहरी उपाय से नहीं होता, यह स्वतः स्फूर्त प्रेम है। उस गहरे प्रेम के नशे में फिर घर बार धन संपत्ति परिवार कुटुंब शरीर के सुख का खाने पीने का शरीर के आराम का मान अपमान का कुछ भी पता नहीं चलता। प्रेमी को भान नहीं होता, उसका ख्याल यानी तवज्जह चारों ओर से दुनिया के तमाम छोटे छोटे प्रेम पात्रों से सिमट गई है और एक अपने प्रीतम यानी प्रेमास्पद इष्ट पर आकर टिक गई है। लौकिक व्यवहार ही विस्मृत हो गया है।
ऐसी दशा में सिवाय अपने प्रेमी के कुछ नज़र में नहीं आता, तो जड़ माया के साथ जो हमारा राग और आसक्ति का बंधन है वह विलुप्त और गायब हो गया। दिल से माया अचानक अनायास निकल गई। दिल में माया को रहने और टिकने के लिए प्रेमी के हृदय में खाली जगह नहीं है, तो फिर आसक्ति कैसी? प्रेमा भक्ति के पात्र भक्त का जीवन जीने का नज़रिया अपने शरीर का पोषण नहीं, परिवार का पोषण और पालन नहीं, यश प्राप्ति नहीं, बल्कि घट में आत्मा के स्वयं के भीतर प्रेम की दिव्य ज्योत को प्रज्वलित करके उसके उजाले में, प्रेम के प्रकाश और आलोक में अपने प्रीतम का दीदार और दर्शन करना है। अब जो नौ प्रकार की भक्ति पहले कही गई, जिसमें किसी में गुणगान है, किसी में गुण श्रवण है, किसी में नाम का जप है, किसी में श्रेष्ठ आचरण है, किसी में सेवा अर्चना पूजा वंदना है, अब उन सब की आवश्यकता ही नहीं रही। सब साधनों का सुंदर फल तो भगवंत का प्रेम प्राप्त करना ही था। वही प्रेम जब प्राप्त या हस्तगत हो गया तो फिर उन साधनों और क्रियाओं का महत्व गौण हो गया। जब प्रेम कम है या उसकी शुरुआत करनी है तो बाहर से प्रेम को जागृत करने के लिए उद्दीपन यानी सहारा चाहिए। जैसे घी में आग है किंतु दीपक में भरे ग्रत से उजाला पाने के लिए कहीं से दूसरी जलती हुई आग, जैसे दिया सलाई की आग आदि लाकर उसके सहारे से दीपक के घी को प्रज्वलित करना पड़ता है। किसी दूसरी जलती हुई वस्तु के संग में दीपक की बाती को लाने से दीपक की बाती और घृत भी जलना शुरू कर देते हैं। तब बाती का घी आग पकड़ लेता है, यह जलता हुआ घी हमें प्रकाश देता है। यदि हृदय में प्रीतम के मिलने की तड़प और विरह का दावानल भड़क भड़क कर जल रहा हो तो बाहर के किसी सहारे की ज़रूरत कहाँ है, वह आग तो बुझाने से भी नहीं बुझती। विरह जलंती में फिरों मो विरहिनी का दुख, छाहन बैठो डरपति मति जल उठे रुख। विरह जलंती देख कर साई आए धाय, प्रेम बूंद को छिड़की कर मिरत कलई जीवाय। प्रेम भक्ति यानी भगवंत से सहज और तीव्र प्रेम, यही एक सर्वोच्च आदर्श और ध्येय है। ध्येय यानी लक्ष्य का निर्धारण सर्वप्रथम ही हो जाना चाहिए या कर लेना चाहिए। लक्ष्य तय किए बिना का जीवन पहले से ही पूरी तरह हारा हुआ दांव है। गंतव्य मालूम नहीं है और रास्ता चलना शुरू कर दिया, कहाँ पहुँचेंगे? बिना उचित और ऊंचा लक्ष्य तय किए हम क्या करते हैं? प्रतिदिन हम नियत समय पर उठते हैं, चाय नाश्ता करके रोजी रोटी कमाने के काम में खेत बाजार कारखाने या नौकरी पर जाते हैं, रुपया इकट्ठा करते हैं, बैंक में धन संचित करते हैं, मकान बनाते हैं, संतान को पढ़ाते लिखाते और होशियार करते हैं,
संतान को नौकरी या उद्योग व्यवसाय खेती के योग्य और काबिल बनाते हैं। इस सब के बीच में एक दिन धर्मराज जी के दूत लेने आ गए और जमदूतों का और मौत का जैसा कि कायदा है कि ये तो अचानक ही लेने आते हैं और फिर ले ही जाते हैं। पुत्र यदि कमाने दुबई या विलायत गया हुआ हो तो जमदूत हमें अपनी संतान से फोन पर बात करने जितनी मोहलत भी नहीं देंगे। उस बेचारे पुत्र से जो बाप के लिए तो कमाने ही परदेश गया हुआ है, रवानगी के वक्त फोन पर बात भी नहीं करने दी जाएगी। ऐसा ही सदा से होता है। यदि हम जीवन का ध्येय धन, पुत्र, परिवार और मान बढ़ाई प्राप्त करने तक सीमित रखेंगे तो ऐसा ही होगा। शास्त्रों में इसे जड़वाद कहा गया। हम सभी पूरे जड़वादी हैं। प्रेम के पंथ पर चलने का लक्ष्य नियत करना, ये जड़वाद से जागृति में आना है। अभी जड़ अवस्था में जीवन बहुत अंधेरा है, महत्वहीन और मूल्यहीन, ओछी, झूठी और कल्पित मान्यताएं हमने ओढ़ रखी हैं। दुनिया की शंका और लियाज, पुरानी घिसी पिटी पार्टियों पर चलने का स्वभाव, शास्त्र के वचनों का बंधन, ये सभी विवेक विरुद्ध, जागृति विरुद्ध और जड़ व्यवहार है, यानी माया के संग का दोष या असर है। यदि इनसे मुक्त होना हो तो पूर्ण सत्ता से, चैतन्य के भंडार से, प्रेम के द्वारा जुड़कर ही इनसे मुक्त हो सकते हैं। प्रेम स्वरूप होना ही जागृत होना है। न लाज माने लोक की, न वेद को कयो करे, न संक भूत प्रेत की, न देव यक्ष ते डरे, सुने न कान और की, दृसे न और अक्षण, कहे न मुख और बात, भगति प्रेम लक्षण। सच्ची जागृति, सच्ची निडरता, लक्ष्य में सच्ची तत्परता बिना प्रेम भक्ति के नहीं हो सकती। प्रेम भक्ति में भी सेवक और स्वामी का द्वैत मौजूद है। सेवक और स्वामी दो अलग अलग हैं, अभी एक नहीं हुए हैं, किंतु यह द्वैत माया जनित द्वैत नहीं है। माया जनित द्वैत में जीव खुद को एक कर्ता और इकाई बनकर अहंकार में जीता है और अहंकार ग्रस्त रहता है। वहाँ मैं का मतलब मैं करता हूँ। माया जनित द्वैत का मैं सच्चे कर्ता और सच्चे प्रभु का प्रतिद्वंदी बन गया, लेकिन भक्ति का मैं एक दीन सेवक है। उस मैं की कोई हैसियत नहीं है, उसका चित्त प्रभु के प्रेम में आसक्त है। वह निरंतर अपने स्वामी की याद में डूबा प्रभु का अबोध बालक है। भक्त अपने स्वामी की कृपा का आकांक्षी है। वह कुछ भी लेना नहीं चाहता। वह तो अपना स्वयं, अपना आपा, अपने स्वामी को सौंप कर निर्द्वंद होना चाहता है। निसदिन हरि सो चित्ता शक्ति, सदा लग्यो सो रहिए, सुंदर कोई न जान सके, ये भक्ति सुप्रेम लक्षण कहिए, प्रेमाधीना छा क्या डोले, क्यों का क्यों ही बाणी बोले, जैसे गोपी भूली देहा, ताको चाहे जा सोने।
यही गोपियों वाला प्रेम है। गोपियाँ अभी भगवान में तद्रूप तो नहीं हुई हैं, किंतु उनको अपनी अलग हस्ती बड़ी पीड़ा दे रही है। इसी बात की कसक नहीं मिटती कि कब हम प्रभु को पूरी तरह प्राप्त कर पाएंगे। अपनी देह है किंतु शरीर की शुद्ध नहीं है। भक्त अपने लिए कुछ भी नहीं चाहता। व्यवहार की मर्यादाएं, हानि लाभ, लोक लाज, दुनिया के रीति रिवाज सब प्रेम के सैलाब में बह गए। जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं, तहाँ न बुद्धि व्यवहार। प्रेम मगन जब मन भया, तब कौन गिने तिथि बार। प्रेमियों की मनोदशा को समझाने के लिए भगवान ने एक लीला की। नारद जी जब द्वारका में भगवान से मिलने आए तो भगवान ने कहा, नारद जी आज हमारे सीने में दर्द है। नारद जी घबराए, सीने में दर्द, चेस्ट पेन, ये तो बड़ी खतरनाक बात है। चिंतित होकर प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु इस दर्द से छुटकारे के लिए क्या करना चाहिए, इतना भी आप ही कृपा करके बता दीजिए ताकि मैं वैसा ही उपाय करूं। भगवान ने कहा, देव ऋषि जी यह दर्द बड़ा विचित्र है, इसका उपाय सरल नहीं है। यदि कोई भक्त अपने चरणों की धोवन यानी चरणामृत हमें पीने को दे दे तो यह दर्द अभी का अभी मिट सकता है। नारद जी तो खुश हो गए, उत्साहित होकर कहा, प्रभु यह तो सरल उपाय है, आपके तो कई श्रेष्ठ भक्त यहाँ आपके मेलों में ही उपलब्ध है। आपकी रानियाँ भी भक्त हैं, आपके मेल के नौकरों में भी तो कई भक्त होंगे। अब वे चाहे नौकर हों या समाज में छोटे आदमी, यदि भक्त होंगे तो आप तो प्रभु उनका चरणामृत पी लेंगे ना। भगवान ने कहा, नारद जी छोटा कौन होता है, भक्त तो सभी बड़े ही होते हैं। आप तो किसी भी भक्त का जल्दी से जल्दी चरणामृत लाकर दीजिए, हमारा दर्द मिट जाए, इसी से हमारा काम बन जाएगा। ब्राह्मण वेश्य शूद्र अरु खत्री, डोम चंडाल मलेच्छ मन सोय, होय कुलीन भगवंत भजनते, आप तार तारे कुल दोय। धन्य सो गाम धन्य सो ठाम, धन्य पुनीत कुटुंब सब लोय। पंडित सूर छत्रपति राजा, भक्त बराबर अवरन कोय। इतना सुनकर नारद जी बोले, प्रभु मैं अभी किसी न किसी भक्त का चरणामृत जल्दी ही लाकर आपको देता हूँ, अब चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि दर्द का इलाज आपने बता दिया तो यह तो इलाज जल्दी ही हो जाएगा। नारद जी रुक्मणी जी के पास गए, दूसरी रानियाँ सत्यभामा जामवती जैसी भगवान के सेवकों मित्रों और दूसरे भक्तों के पास गए और बोले, भाई भगवान के सीने में दर्द है, उसके लिए मुझे आपके पैर धोने हैं और फिर वह चरणामृत भगवान को पिलाना है, यह इलाज है। इतना सुनते ही भक्त तो चौंके, बोले, तोबा तोबा नारद जी यह क्या बोल रहे हैं, आप अनर्थ और अनीति की बातें बोल रहे हैं। भगवान जो कि साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा हैं, उनको चरण धोवन पिलाने से पिलाने वाला तो जरूर ही नरक में जाएगा। ना बाबा ना, भगवान को चरण धोवन पिलाकर नरक में कौन जावे।
नारद जी आप कहीं दूसरी जगह कोशिश कीजिए, हमें तो आप क्षमा कर दें। ऐसा कहकर सभी ने इनकार कर दिया। मुंह लटकाकर नारद जी लौट आए। भगवान तो इंतजार कर रहे थे। बोले, नारद जी जल्दी दीजिए ताकि हमारा दर्द जल्दी मिटे। भगवान ने पूछा, मुनि जी किसी ने अपने चरणों का धोवन दिया है क्या? नारद जी ने कहा, प्रभु यहाँ तो कोई भी अपने पैरों की धोवन देने को तैयार ही नहीं हुआ। सभी ऐसा कहने लगे कि भले ही भगवान के सीने में दर्द हो, लेकिन भगवान को अपना चरणामृत पिलाकर नरक में कौन जावे? इसलिए प्रभु चरणामृत तो अभी मिला ही नहीं। भगवान तो पहले से ही यह बात जानते थे। बोले, नारद जी यहाँ कोई चरणामृत देने वाला नहीं है। यहाँ यदि कोई देने वाला होता तो हम अब तक खुद नहीं उससे मांग लेते। यहाँ सच्चे भक्त जो हमारे कष्ट से सचमुच में दुखी हों वे तो हैं ही नहीं। हमसे सच्चा प्रेम करने वाले तो ब्रज में हैं। यदि आप हमारे काम के लिए ब्रज जा सकें तो हमें भरोसा और विश्वास है कि वहाँ की गोपियाँ हमारे लिए अपने पैरों की धोवन जरूर दे देंगी। नारद जी तो तीनों लोकों में आबाद फिरते ही थे। योग बल से उसी समय सीधे ही ब्रज पहुँचे। ब्रज में बात फैली कि द्वारका से नारद मुनि आ गए हैं, तो सभी गोपियाँ अपने घरों के काम काज को छोड़कर दौड़ी दौड़ी आकर नारद जी के पास जुट गई। अपने श्याम सुंदर की कुशल पूछने लगी। नारद जी ने बताया कि भाई कुशल क्या बताएं, अभी तो भगवान को कष्ट है, उनके सीने में दर्द है। इतना सुनते ही गोपियाँ भारी दुखी हो गई, लगी नारद जी से झगड़ा करने कि अरे देव ऋषि, आप ऋषि राज अपने आप को समझदार मानते हैं, भगवान के तो तकलीफ है, और बजाय सेवा करने के या कोई उपचार या इलाज करने के आप हमको समाचार देने के लिए भगवान को तकलीफ में छोड़कर यहाँ आ गए। नारद जी ने कहा, बेटों बेटियों मैं तो उसी काम के लिए ही तो आया हूँ, भगवान के दर्द को ठीक करने के लिए। एक ही उपाय है, वो है कि किसी भक्त के पैरों की धोवन चाहिए। क्या तुम में से कोई अपना चरणामृत देने को तैयार है, जिसे मैं ले जाकर श्याम सुंदर को पिलाऊंगा तो वे ठीक हो जाएंगे? सभी गोपियां एक साथ बोली कि यह तो हमें पता नहीं कि भाई हम भक्त हैं या नहीं हैं, किंतु यदि आप हमारे पांवों की धोवन लेकर कोशिश करें तो हम तो उम्र भर आपकी कृतज्ञ रहेंगी। गोपियां व्याकुल होकर कहने लगी, नारद जी कृपा करो, जल्दी पैर धो लो हमारे, कहीं देर न हो जाए। नारद जी ने फिर याद दिलाया कि देखो, भगवान श्री कृष्ण तो पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने पैरों का प्रक्षालन करके यदि उनको वह चरणामृत पिलाएं तो भाई हमें नरक में भी जाना पड़ सकता है। गोपियाँ यह सुनकर अधीर हो गई। रोकर नारद जी से इस तरह टालम टोल करने पर झगड़ा करने लगी। रोते रोते बोली, अरे नारद जी, नरक में जाने से कौन डरता है? जब नरक में जाना पड़ेगा तो चले जाएंगे, इसमें क्या गम है? कन्हैया के सीने में तो अभी दर्द है, वह तो मिट जाएगा ना। यदि बाद में धर्मराज जी नरक या 84 में भेजेंगे तो हमें तो खुशी खुशी मंजूर है। हमारा जीवन यदि कन्हैया के कुछ काम आवे तो हमें तो नरक में जाना मंजूर है। इसका नाम है प्रेमा भक्ति, अपने प्रेमी पर सर्वस्व कुर्बान करने का जज्बा।
भक्त भी भगवंत से अभी दूर और अलग इकाई है, द्वैत मौजूद है, यानी प्रेम में द्वैत मौजूद है। लेकिन भक्त अपना वजूद, अपनी हस्ती, अपना अस्तित्व तो प्रभु में लीन करने को आतुर है, तड़प रहा है। इसी का नाम विरह है, इसी का नाम लगन है, जो आगे चलकर दो अलग 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 हस्तियों को मिलाकर एक कर देगी। प्रेम की ऐसी गूढ़ और ऊंची दशा में भक्त तो सभी समझदारी, लोक व्यवहार, सावधानी, होशियारी, सावचेती, चतुराई और यहाँ तक कि अपना सुख दुख सभी भूल गया है। प्रेम और करुणा के सागर भगवंत उस भक्त के आगे पीछे घूमते हैं, भक्त के कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं। भक्त को यदि तकलीफ हो जाए तो प्रेम की तीव्रता से वह तकलीफ भक्त को नहीं बल्कि भगवंत को व्यापती है। भगवान जब द्वारका में राज करने लगे तो समय की कमी के कारण खुद वापस ब्रज कभी जा नहीं सके। एक बार राधा जी को और उनकी प्रेमी सखियों के साथ ब्रज में द्वारका बुलवाया। राधा जी और गोपियों को पास ही के एक महल में ठहराया गया। उनकी प्रेम भरी विवल दशा को देखकर रुक्मणी आदि रानियां दंग रह गई। ऐसा अद्भुत प्रेम भी होता है क्या कि प्रेम में वे सब पागल और घोर दुखियों की जमात लगती थी। लगता था कि पागलों और दुखियों का झुंड आ गया है। भगवान तो अपने प्रेमियों की दशा ठीक तरह से जानते थे। उनकी सेवा, टहल और चाकरी का अच्छा इंतजाम भगवान ने किया और राधा जी और गोपियों की सेवा के काम की निगरानी खुद रखते थे। भगवान जानते थे कि राधा जी आदि से ठीक तरह से खाना खाया ही नहीं जाता। वे सब विरह में जली हुई थी, विरह दग्ध थी। इसलिए रात पड़ने पर भगवान बोले, रुक्मणी जी से कहा कि अपने मेहमानों को सोने के पहले आप जाकर के दूध दे आइए। रुक्मणी जी को कहा कि आप खुद जाकर अपने हाथों से दूध देकर आइए। जब भगवान ने कहा रुक्मणी जी को खुद जाकर के दूध देकर आओ, अब वो तो महारानी थी, कुनमुनाई कसमसाई पटरानी थी, फिर भी भगवान की आज्ञा पाकर गई। दूध गर्म किया और राधा जी को जल्दी जल्दी पकड़ा कर आ गई। राधा जी को भूख प्यास, ठंडा गर्म, मीठा फीका का तो कोई भान था ही नहीं। उन्होंने यह जाना कि भगवान ने दूध भिजवाया है तो दूध पी लिया। इधर भगवान सोने की तैयारी करने लगे कि भगवान को अचानक तेज जलन हुई। मुंह, होठ, जीभ, भोजन नली सब जल गए। भोजन नली तो पूरी जल गई। अब भगवान दर्द और जलन से कराहने लगे। रुक्मणी देवी ने पूछा, अब आपको बैठे बैठे क्या कष्ट हो गया है? भगवान ने अपना मुंह खोला तो मुंह, जीभ, होठ सभी जले हुए थे। भगवान ने रुक्मणी जी से पूछा, रुक्मणी जी ने भगवान से पूछा, बैठे बैठे आपके ये सब कहाँ से जल गया? भगवान ने कहा, देवी जी, आपने राधा जी को जो दूध दिया था वो पीने लायक ठंडा करके दिया या जैसा चूल्हे पर से उतारा वैसा ही उनको पकड़ा दिया है? रुक्मणी जी ने तो गर्मा गर्म ही पकड़ाया था। उधर राधा जी जो भगवान के चिर विरह में लगभग बेहोश जैसी रहती थी, उनको भान नहीं था। जैसा सामने आया
जैसा किसी ने ला कर दिया वैसा पी लिया। उस गर्मा गर्म दूध के छाले राधा जी को नहीं हुए, भगवान के गले में छाले पड़े। ऐसी विचित्र रीति और परिपाटी प्रेम की है, यह प्रीत है, तीन लोक से जुदा है। इसीलिए तो कहा गया है कि गोकुल गांव को पेंडो ही न्यारो। प्रीत की रीत कछु नहीं राखत, जाति न पाति नहीं कुल गारो। प्रेम कुने में कऊ नहीं दिसत, लाजन कान लग्यो सब खारो। लीन बयो हरि सु अभि अंतर, आठऊ याम रहे मतवारो। सुंदर को एक जान सके यह, गोकुल गाँव को पेंडो ही न्यारो। नवदा भक्ति के नौ अंग सभी प्रभु से प्रेम को विस्तार देने वाले हैं। वही प्रेम स्वयं साक्षात प्रेम भक्ति के रूप में जब उपस्थित हो तो उसका तो वर्णन किसी भी भाषा में, किसी भी जबान से, किसी भी प्रकार से किया ही नहीं जा सकता। प्रभु स्वयं प्रेम रूप हैं, यानी यह प्रेम प्रभु ही है, तो इसकी महिमा अगम है। इसी प्रेम से प्रेमी और प्रीतम रचे गए, फिर प्रेमी और प्रीतम के प्रेम संबंध और प्रेम विस्तार से यह विस्तारित रचना रची गई है। यही प्रेम भक्ति जहाँ पर भरपूर खिली हुई हो, जहाँ भरपूर प्रेम उपस्थित हो, वहाँ सृष्टि रचना के किसी भी कानून या मर्यादा का दखल नहीं है। कोई दूसरा नियम प्रेम पर लागू नहीं होता। स्वयं प्रेम स्वरूप प्रभु भी केवल प्रेम का रिश्ता और प्रेम का एक नियम ही मानते हैं। प्रेम अपने आप में अनोखा नियम है, और ऐसा अनोखा नियम है जिसकी तुलना दूसरों से नहीं की जा सकती। लक्ष्य अलक्ष्य अदक्ष न दक्ष, पक्ष अपक्ष न तूल न भारो। झूठ न साँच अवाच न वाच, न कंचन काच न दीन उदारो। जान अजान न मान अमान, न सान गुमान न जीत न हारो। सुंदर को एक जानी सके यह, गोकुल गाँव को पेंडो ही न्यारो। द्वंद बिना बिचरे वसुदा पर, जो घट आत्म ज्ञान अपारो। कामन क्रोधन लोभन मोहन, रागन द्वेषन मारुन घारो। योगन भोगन त्यागन संग्रह, देह दशान ढक्यो न उगारो। सुंदर को एक जानी सके यह, गोकुल गाँव को पेंडो ही न्यारो। संत मत के अनुसार वह गोकुल गाँव यानी प्रेम भक्ति का आखिरी मुकाम, सच्चा मोक्ष पद, सच्चा अविनाशी धाम सत्यलोक है। यहाँ तक भेद भक्ति है। भेद भक्ति में एक प्रीतम यानी एक स्वामी या साहिब होता है, और दूसरा उससे प्रेम करने वाला होता है। सत्यलोक सत्य शब्द यानी सतनाम का धाम है। यहाँ के मालिक को संतों ने सत्य पुरुष सद्गुरु दयाल कहा है। सुरत यानि रूह, उनसे प्रेम करके जगत से नाता तोड़कर, प्रेम की आँच में तपकर,
सब विकार और मेल को उस आग में जलाकर पूरी तरह पाक, साफ और कुंदन होकर यहाँ पहुँचती है। प्रेम का आधार नाम और रूप है। उन अनामी पुरुष का सतलोक में आदि नाम सतगुरु है और उनका आदि रूप सत्य पुरुष का सत्य स्वरूप है। जो निराकार, निरूप, निर्मल, अमल और अरूप प्रभु हैं, जिनका कोई नाम ही नहीं कहा जा सकता, न ही जिनका कोई स्वरूप है, उन्हीं निज प्रभु ने अपने प्रेमी भक्तों के लिए सत्य नाम और सत्य स्वरूप सत्यलोक के मुकाम पर धारण किया है। दयालु स्वामी जी साहब ने इस भेद का इशारा इस प्रकार फरमाया है। सतगुरु 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 स्वामी अमल अरूप सतगुरु स्वामी, सतगुरु 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 स्वामी सत्य स्वरूप सतगुरु स्वामी। प्रेम भक्ति ही भेद भक्ति है और इसका आधार है नाम और रूप। बिना नाम और बिना रूप के किसी से प्रेम किया ही नहीं जा सकता। प्रेम के अभेद श्रेणी पर पहुंचने के बाद तो फिर नाम और रूप विलीन हो जाएंगे, किंतु बिना नाम और रूप के प्रेम की शुरुआत ही नहीं होगी। अरूप और अनाम प्रेम तक पहुंचने का साधन नाम और रूप ही है। बिना नाम और रूप के कोई पहचान नहीं होगी। मन में किसी वस्तु का विचार ही बिना नाम और रूप के नहीं आता। प्रत्येक विचार का एक न एक नाम और एक न एक रूप, चाहे सूक्ष्म हो चाहे बीज स्वरूप हो, होगा अवश्य। यहाँ तक कि प्रत्येक स्थूल और जड़ पदार्थ का सूक्ष्म और सूक्ष्मतर अंश भी कोई न कोई विचार है। जैसे किसी आदमी का दिमाग जब गड़बड़ा जाता है तो उस पागलपन की दशा में विचार भी गड़बड़ा जाते हैं। जब पदार्थ और सूक्ष्म पदार्थ दरअसल में दो नहीं हैं, इसी तरह आकार सहित और नाम सहित परमात्मा का स्वरूप ही हमें उस असीम, अपार, अरूप, अनाम और अनंत सत्ता से मिला सकता है। यानी परमात्मा के सर्वगुण रूप देहधारी गुरुदेव तथा वर्णात्मक नाम पहले शब्द गुरुदेव के रूप में और ध्वन्यात्मक नाम से जोड़ेंगे और शब्द गुरु और ध्वन्यात्मक नाम का प्रेम भाव और प्रेम विचार की स्थूल अवस्था जगत के देहधारी गुरु और सूक्ष्म अवस्था घट में ध्वन्यात्मक शब्द है। ये दोनों ही संत मत की प्रेम भक्ति के आधार हैं। सद्गुरु तुलसीदास जी साहेब ने रामचरितमानस में फरमाया है, नाम रूप गति अकथ कहानी समुजत सुखदन परत बिखा परत बखानी, नाम रूप दोई ईस उपाधि अखत अनादि सुसामुजि सादी।